बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। तो आज हम बनाएंगे चिकन और पालक का साग। चिकन और पालक का साग किस तरह और किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को कोई पार्ट स्किप मत करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। चिकन मैंने 2 कटोरी लिया है, पालक मैंने 2 कटोरी ली है। इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है और धो के उबाल कर पेस्ट बना लिया है। अब हम इसका सालन बनाएंगे। प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है, 3 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 4 अदद सब्ज़ मिर्च, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब पतीले में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है और प्याज शामिल कर दिए हैं। अब प्याज थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब मैंने सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। जब सब्ज़ मिर्च मैं इसे शामिल कर रही हूँ ताकि जो सब्ज़ मिर्च का जो कड़वापन है वो निकल जाए। अब प्याज फ्राई हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने चिकन शामिल कर दिया है, अब चिकन को फ्राई करेंगे। अब मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब लाल मिर्च पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। अब मैंने हल्दी शामिल की है। अब मैंने धनिया शामिल किया है, धनिया पाउडर। मसाला भून चुका है, अब मैं पालक शामिल करूंगी। जब पालक भून जाएगी फिर चिकन शामिल करूंगी। साग भून चुका है, अब मैं चिकन शामिल करूंगी। इस चिकन को मैंने भून के अलहदा बर्तन में निकाल लिया था। जब ये साग भून गया अब मैंने शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह पकाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा पालक का साग और चिकन तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।